वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2023, और 11 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसने सबसे ज्यादा पदक जीते, और दुनिया का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट के CEO किसे नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह आपको 6:30 पर आपको ये लाइव क्लास मिलती है। और आज है 11 नवंबर, और 11 नवंबर के दिन दो दिवस हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला, आपको पता है आज 11 नवंबर है, और 11 नवंबर के दिन अपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के कारण उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो सभी साथियों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 11 नवंबर है, और 11 नवंबर के दिन आज अपने बनाते बनाएंगे छोटी दीपावली। तो सभी विद्यार्थियों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ इस दीपावली के जो पावन अवसर पर आपके लिए प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% की डिस्काउंट आपके लिए दी जा रही है, और ये कल से यानी कि 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और 14 नवंबर तक आपके लिए जितनी भी हमारी ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है उसके अंदर आपके लिए 50% की छूट रहेगी। तो ये दीपावली, हैप्पी दीपावली का स्पेशल आपके लिए ऑफर रहेगा। 14 नवंबर तक रात की 12 बजे तक आपके लिए जो जितनी भी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपके लिए 50% की छूट रहेगी। तो आप करंट GK की, हमारे राजस्थान पुलिस की, RPSC ओल्ड क्वेश्चनों द्वारा पूछे गए टेस्ट सीरीज, NCERT बुक पर आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो सारे विद्यार्थी अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने WTA फाइनल्स का टाइटल अपने नाम किया, तो ये किया है इग्गा स्विस्टिक ने। केंद्र सरकार ने किस देश के साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलुफू प्रारंभ करेगा, तो ये करेगा भूटान के साथ। किस IPS अधिकारी को CBI में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया, ये किया गया वी चंद्रशेखर को। भारत के नए महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया, हितेश कुमार को भारत का नए महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। कौन से भारतीय बल्लेबाज ICC रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुके हैं, तो वो है शुभम गिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों का अनावरण किया, तो ये गुजरात में। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विश्व रैंकिंग में टॉप 50 खिलाड़ियों में जगह बनाई, तो वो है मनिका बत्रा। QS द्वारा 2024 विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है, तो वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, वो सबसे टॉप पर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, और टेलीग्राम पर आपको क्विज भी मिलती है इंडिया और वर्ल्ड की। शाम को आपको डेली इसकी क्विज भी आपको दी जाती है। तो स्टार्ट करें। इसके अलावा आपको 50% के छूट के अवसर पर आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज कल लॉन्च हो चुकी है, और कक्षा 6 का पहला पाठ है उसका, वो पहला पाठ का टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो NCERT धारित कक्षा 6 से 10 तक आपके लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई सामाजिक अध्ययन SST के लिए, क्योंकि ये CTET एग्जाम और RIT Level 2 के लिए कोई भी एग्जाम हो तो ये आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो ये हैप्पी दीपावली पर आपके लिए ऑफर इसके अंदर है, ₹100 रहेगा, उसके बाद में इसका जो प्राइस है वो ₹200 किया जाएगा। तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप फोन या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता, और ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। आपको सभी को पता है सबसे टॉप पर सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं टेनिस खिलाड़ी, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, और इन्होंने पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब है जीता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है नोवाक जोकोविच। देखो, टेनिस खिलाड़ी ये है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने गिग्रोर दिमित्रोव को हराया, और जोकोविच का ये 40वां मास्टर्स 1000वां खिताब इन्होंने जीता है। तो 40वां मास्टर्स 1000वां खिताब इन्होंने जीता। फाइनल के अंदर किसको हराया, ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया है इन्होंने, और ये 7वीं बार पेरिस मास्टर का खिताब इन्होंने जीत लिया। किसने, नोवाक जोकोविच ने।
दूसरा क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो आपको सभी को पता है 37वें राष्ट्रीय खेल कानपुर हुए गोवा के अंदर, कानपुर हुए गोवा के अंदर है, और पहली बार इनका आयोजन गोवा के अंदर किया गया, और इसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी बार पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, कुल 228 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, और सबसे टॉप स्थान है हासिल किया है, और स्वर्ण पदक कितने जीते, 80 स्वर्ण पदक जीते। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, पहली बार गोवा राज्य ने इसकी मेजबानी की है 37वीं राष्ट्रीय खेलों की, और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा इसके अंदर पदक जीते हैं। अब पूरी डिटेल देखो, महाराष्ट्र ने 228 पदकों में से देखो 28 तो 80 तो स्वर्ण पदक जीते, 69 रजत और 79 कांस्य के साथ नेशनल गेम्स 2023 मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। कौन सी ट्रॉफी जीती है? राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। यह ट्रॉफी नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा देखो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, 80 स्वर्ण पदक, और ये नेशनल गेम्स में सबसे अधिक इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वालों को ये ट्रॉफी दी जाती है। इन खेलों का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इनका आयोजन किया गया। कौन सा स्टेडियम था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। उसके बाद में सर्विसेज 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य, कुल 126 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है रही थी। दूसरे स्थान पर कौन सी थी? सर्विसेज है, और तीसरे स्थान पर रही थी हरियाणा। इसे गोवा के 5 शहर थे, मापुसा, मंडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को में ये आयोजित किया गया था। जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, ये 5 शहरों के अंदर, गोवा के 5 शहरों में इनका आयोजन किया गया। पहले स्थान पर महाराष्ट्र आ गई, दूसरे पर आ गया सर्विसेज, और तीसरे पर आ गया हरियाणा राज्य। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का इसके अंदर 13वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल में संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? हाल ही में संसद का शीतकालीन जो सत्र है वो कब से कब तक चलेगा? तो ये 4 से लेकर 22 दिसंबर तक, क्योंकि आगामी अब की बार तो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, और आगामी 2024 के अंदर क्या है, लोकसभा चुनाव होंगे, तो इसके अंदर जो संसद का जो शीतकालीन सत्र है ये 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा। देखो, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। प्रहलाद जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये सत्र वो 19 दिनों में 15 बैठकें होगी, इसमें 19 दिनों के अंदर क्या है, 15 बैठकें आयोजित की जाएगी, और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संसद का शीतकालीन जो सत्र है वो काफी अहम माना जा रहा है, और सरकार इस सत्र में कई अहम बिल पास करा सकती है। तो ये आगामी जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो शीतकालीन सत्र है ये महत्वपूर्ण है माना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अडानी पोर्ट्स के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में 553 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, और ये करेगा अमेरिका। कौन सा करेगा? जो यूएसए देश है ना वो क्या करेगा, जो अडानी पोर्ट्स है ना वहां पर श्रीलंका में, उसमें क्या है, जो श्रीलंका के अंदर बंदरगाह है, टर्मिनल प्रोजेक्ट है, उसमें 553 मिलियन डॉलर का निवेश है करेगा। कौन सा? यूएसए देश। तो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार पॉइंट। देखो, यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC ने अदानी पोर्ट्स के नेतृत्व में कोलंबो पोर्ट्स टर्मिनल परियोजना में 553 मिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। यह कदम क्षेत्र क्या करेगा, इसमें आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाने और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सेवा के लिए प्रमुख शिपिंग मार्गों पर है श्रीलंका को रणनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, यानी कि अमेरिका और भारत और श्रीलंका, तो इसमें क्या है, श्रीलंका और इसमें क्या है, जो अमेरिका है वो श्रीलंका, पहले तो आर्थिक संकट आया था, स्थिति संकट आ गया था श्रीलंका पर, तब ये क्या है, अर्थव्यवस्था उसमें मजबूत करने के लिए श्रीलंका के अंदर जो कोलंबो जो पोर्ट टर्मिनल है उसमें क्या है, यूएसए वो 353 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। किस आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, एन श्रीकांत को, ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया, एन श्रीकांत। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इनको क्या है, ये आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। देखो, आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एन श्रीकांत को केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में
संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रह चुके हैं, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा, यानी कि जो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन देश, वो क्या करेगा, भारत देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, अपने देश है भारत को। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है ऋषि सुनक। देखो, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को सुरक्षित राज्यों की एक विस्तारित सूची में शामिल करने की योजना बनाई है, जिनका इन देशों से अवैध रूप से जो यूके यानी कि ब्रिटेन आने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है पड़ेगा, यानी कि भारत से जो यात्रा करते हैं ब्रिटेन के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसका उद्देश्य ये है कि भारत से अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाना और साथ ही ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना को खत्म करना। तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम है वो भारत को सुरक्षित राज्यों की विस्तारित सूची में जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, हाल में दुनिया का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO किसे नियुक्त किया गया है। AI तो वैसे ही चर्चा में है, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको पता है AI, अभी कॉलिंस डिस्क्री ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है AI को, और इसमें क्या है, दुनिया का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO किसे नियुक्त कर दिया, ये किया है मिक्का को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया है, ये मिक्का। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये मतलब एक रोबोट आधारित, एक मतलब व्यक्ति बनाया गया रोबोट आधारित है ये रोबोट, यानी कि देखो रोबोट CEO किसे नियुक्त कर दिया, मिक्का को, इसका नाम मिक्का है। ये दुनिया का पहला AI आधारित रोबोट CEO नियुक्त किया है। देखो, हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित एक कंपनी है डिक्टाडोर ने मिक्का नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का इसको CEO नियुक्त किया। मिक्का क्या करेगा, डेटा को तेजी से और स्टिक रूप से संसाधित करने के लिए उन्नत AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है, यानी कि ये क्या, सुपर फास्ट है, कोई भी डेटा है उसको तेजी से, उसको स्टिक रूप से संसाधित करने के लिए क्या है, वो क्या है, इसमें सबसे ज्यादा ये सुपर फास्ट चलता है तो रोबोट है। इस ये क्या है, अब ये दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का एक CEO नियुक्त कर दिया और इसका नाम है मिक्का। अगला क्वेश्चन, किस संगठन का कार्गो ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की है। किस संगठन का है, तो ये है SpaceX का। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये SpaceX का है कार्गो ड्रैगन। इसने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्या किया है, इसने 29वें मिशन की शुरुआत की है। देखो, SpaceX के कार्गो ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की, जो ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को महत्वपूर्ण अनुसंधान गियर है और उपकरण पहुंचाने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो चुका है। अब आपको पता है, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो वहां पर अब वो स्थापित उसका कार्य स्टार्ट हो चुका है। तब ये धीरे धीरे क्या है, जो दूसरे जो मिशन है ना, जो लॉन्च किए जाएंगे, वो क्या करेंगे, वहां पर उसको जाकर सम्मान, मतलब उसको उपकरण पहुंचाएंगे, जैसे ये अनुसंधान गियर है और उपकरण पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया है। तो ये SpaceX का कार्गो ड्रैगन है और ये 29वें मिशन किसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है, तो ये अपने जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, कौन है, DY चंद्रचूड़ है, और ये सुप्रीम कोर्ट में 50वें मुख्य न्यायाधीश है और उन्होंने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। मिट्टी कैफे का मतलब है जो दिव्यांग लोग है ना, दिव्यांग लोग, इसमें देखो ये तस्वीर की देखो, छोटा सा बालक, ये देखो व्यक्ति है, दिव्यांग है, और ये CJ ने मिट्टी कैफे का वहां पर उद्घाटन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अन्य न्यायाधीशों के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। नवनिर्मित कैफे पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा ये चलाया जाता है। मिट्टी कैफे एक NGO आधारित शुरू किया गया जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ काम करता है। तो एक NGO होता है ना, बच्चों का एक NGO, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, तो वो क्या, एक विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ ये काम करेगा। तो ये मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है चंद्रचूड़ ने। किस मंत्रालय द्वारा समर्पित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पोर्टल का अनावरण किया गया, तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने, ऊर्जा मंत्रालय ने, किसने, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया है समर्पित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल का अनावरण किया है, किसने, ऊर्जा मंत्रालय ने। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्यरत
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हाल ही में एक समर्पित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पोर्टल का अनावरण किया है। बाकी आपको ज्यादा इसमें डिटेल की जानने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। अब आपके लिए एक खास पॉइंट है, रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो चुका है। कौन सा देश है? रूस देश। देखो, नाटो के विस्तार को सहयोग में बाधा बताते हुए रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट चुका है। यह कदम रूस द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को रद्द करने और एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण लॉन्च करने के बाद उठाया गया है। तो ये जो कदम है ना, ये क्या है, अभी रूस ने कल परसों में क्वेश्चन कराया था, जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था रूस ने, उसके बाद में क्या है, यह परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को रद्द करने और इस मिसाइल के परीक्षण करने लॉन्च करने के बाद में ये कदम उठाया गया है कि जो रूस देश है वो सशस्त्र बलों पर संधि से इसको इसको क्या है बाहर हटा दिया गया, यानी कि इसको इस संधि से हटा दिया गया, किसको? रूस देश को। क्विज वगैरह पीडीएफ जो क्विज आपको टेलीग्राम पर मिलती है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना उसकी मिल जाती है बढ़िया तरीके से आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, दुनिया की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन है? तो वो है निर्मला, ये कौन है, सॉरी, ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन बोल रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? स्वीडन, फिनलैंड, न्यूयॉर्क, चिली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी क्लास, कल संडे है, कल संडे के दिन अपने दीपावली का त्योहार भी है और कल संडे के दिन अपने वीकली क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ जनरल साइंस की टेस्टरी चल रही है, इसके लिए आपके लिए 50% की छूट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए है, इसके साथ पूरे साल की हमारी इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी आरएसओ द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज लगातार दी गई है, इसमें आपको बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। और आज दीपावली के अवसर पर आपको अगले 3 से 4 दिनों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना, अब 2 दिन दीपावली का त्यौहार है तो बढ़िया तरीके से आप मस्ती से रहना और अपने पूरे परिवार के साथ अपने दीपावली का त्यौहार मनाएंगे, पटाखे बजाएं, मिठाइयां खाएं और अपने घर के अंदर अपनी बढ़िया तरीके से खुशहाली के साथ अपने इस त्यौहार का आनंद उठाएं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।